नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम्योविजन पर। और आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं के एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे रिप्रोडक्टिव एज की महिलाएं, खास तौर से 12 साल से लेकर 50 साल तक की जो आबादी है उसकी 10% महिलाएं इससे प्रभावित हैं। आइए समझते हैं इसके कारण को, क्या कारण है, क्या इसके साइन सिम्टम्स आते हैं और क्या इसका उपाय है, कैसे ठीक किया जा सकता है इसको। चलिए इससे पहले शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी वीडियो देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है PCOD एंड PCOS। PCOD का मतलब हो गया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड PCOS का मतलब हो गया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बस आप यही समझ सकते हैं कि PCOD का एक बहुत ही सीवियर फॉर्म है PCOS। तो हम बात करते हैं पहले PCOD की, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की। इसमें हार्मोनल लेवल जो है इम्बैलेंस हो जाता है, और जब ओवरी प्रभावित होती है तो जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो, और इसमें कुछ हार्मोन जो है मेल हार्मोन भी सिक्रीट करता है एंड्रोजन, तो एंड्रोजन का लेवल जब बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन होने लगता है, तो एंड्रोजन जब बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है तो ये आपके एस्ट्रोजन को और प्रोजेस्टेरोन लेवल को प्रभावित करता है। इसके चलते क्या होता है कि जो एग्स बनते हैं जो, तो वो ओवुलेशन उसका नहीं हो पाता है, यानी वो प्रॉपर जो है वो रिलीज नहीं कर पाता है, या तो पार्टली रिलीज होता है या पार्टली मैच्योर्ड होते हैं या इमैच्योर्ड होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो टाइम बीतने के साथ साथ वो एक सिस्ट का रूप फॉर्म कर लेते हैं और ओवरी की साइज बढ़ जाती है। जब ओवरी की साइज बढ़ जाती है तो एंड्रोजन का प्रोडक्शन और ज़्यादा होने लगता है, और इसी के कारण इसमें जो साइन सिम्टम्स आते हैं। और जैसे PCOS है, PCOS भी एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें जो इंसुलिन लेवल है, इंसुलिन क्या करता है कि जो जैसे हमारे जो शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है उसको सेल को आदेश देता है इसको यूटिलाइजेशन के लिए, लेकिन सेल जब रेजिस्टेंस कर जाता है ग्लूकोज इंसुलिन से तो उस कंडीशन में ग्लूकोज लेवल बॉडी के अंदर बढ़ने लगता है। जब ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ता है तो इंसुलिन का सिक्रीशन उसको कम करने के लिए और ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और जब इंसुलिन का प्रोडक्शन और ज़्यादा होता है तो वो हमारे एंड्रोजन को, जो एंड्रोजन हार्मोन है फीमेल के केस में, तो उसके लेवल को और तेज़ी से बढ़ाता है। जब एंड्रोजन जब बढ़ेगा तो फिर वही कंडीशन आएगी, तो उसको लेके जब प्रभाव पड़ता है तो जो साइन सिम्टम आते हैं मोस्टली वो कॉमन ही होते हैं, लगभग लगभग मिलते जुलते होते हैं दोनों में। तो आइए जा हम उसको समझते हैं, इसके साइन और सिम्टम्स को। जो साइन सिम्टम आता है, सबसे पहली बात तो ये है कि रिप्रोडक्टिव एज का जब ये मसला है तो सबसे पहले जो मेंस्ट्रुएशन है यानी जो पीरियड्स है वो प्रभावित होते हैं, या तो इरेगुलर आएंगे या स्किप कर जाएगा या बहुत ज़्यादा आएगा यानी मेनोरेजिया का फॉर्म ले लेगा, या टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होगा, और दूसरा कि इसमें एक्नी की प्रॉब्लम आएगी, चेहरे पे दाने निकलने शुरू हो जाएंगे। इसके साइन और सिम्टम में हेयर लॉस यानी मेल पैटर्न टाइप ऑफ हेयर लॉस, और हेयर ग्रोथ यानी अनवांटेड हेयर ग्रोथ, मतलब जैसे मूछें आना, दाढ़ी आना, या फिर शरीर पे बालों का उगना, ये बहुत ही कॉमन है। और जब इंसुलिन का लेवल बढ़ता है तो ये और भी चीज़ों को प्रभावित करता है, जिससे वेलवेटी पैचेस आने लगते हैं शरीर पे, या फिर वो ब्लैकनेस आने लगती है गर्दन के साइड पे, या फिर एक्जिला में, या फिर ब्रेस्ट के नीचे, या फिर ग्रोइन रीजन में, तो इस तरह के भी इसमें साइन आते हैं। आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है इनफर्टिलिटी, ये बहुत ही कॉमन हो जाता है इस केस में, या तो कंसीव नहीं होगा, अगर कंसीव होगा तो मिसकैरेज की संभावना की पूरी रहती है। अगर सही समय पे इसको ट्रीट नहीं किया गया या नहीं समझा गया, नहीं पहचाना गया, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन तो वही है यूट्राइन ब्लीडिंग, मतलब एक्सेसिव यूट्राइन ब्लीडिंग भी हो सकता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड स्किप भी हो सकते हैं, प्री टर्म या प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है, और ऐसे कंडीशन में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर भी इससे प्रभावित होगा, आपको कार्डियक रिस्क बढ़ेंगे, और इसमें स्लीप एपनिया भी होती है, अचानक सांस
रुकने वाली कंडीशन आ जाती है, क्योंकि इसमें बॉडी वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए आपको इसमें जंक फूड, ऑयली फूड, फ्राइड फूड ये सब अवॉइड करना होगा, और आप अपने एक्सरसाइज को ये डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए, तब इस समस्या से आपको लड़ने में मदद मिलेगी। एक और कॉमन सी बात है कि पेशेंट जो है वो डिप्रेस रहने लगेगा, सैड रहने लगता है, एंजाइटी उसको बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए सबसे पहले तो हम अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगे और हम हेल्दी फूड्स लेना शुरू करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना, और फ्रूट्स का सेवन आप करिए, या फिर जो फाइबर्स डाइट है उनको आप ज़्यादा लीजिए, जिसमें विटामिन और मिनरल्स ज़्यादा मिले उसका सेवन करिए, और बाकी जो है फिर सिम्टम्स के हिसाब से आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, इसमें बहुत ही अच्छा रोल है उसका। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो इसमें होम्योपैथिक दवाएं बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, और इसमें बहुत सारी दवाएं हैं जैसे लैकेसिस हो गया, एपिस, पोडो, सीपिया और अशोका हो गया, थैलेसपी वीपी हो गया, बहुत सारी मेडिसिंस हैं, और माइंड के हिसाब से बहुत सारी मेडिसिंस हैं। तो चूंकि इलाज एक व्यक्तिगत मसला है, इसमें आपके लक्षण के हिसाब से होता है, तो इस पर इलाज तो इसका बताना बहुत ही मुश्किल काम है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आती है तो आप अपने जो आपके होम्योपैथिक फिजिशियन है उनसे आप कंसल्ट करिए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल और व्यक्तिपरक ट्रीटमेंट होता है। तो आप अपना ट्रीटमेंट जो है आप अपने फिजिशियन से लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।